तुम क्या चाहती हो बेबी? मेरे लिए केक बनाओ प्लीज। शेफ काम कर रही है, मेरे जैसे पेशेवर के लिए तुम्हारा ऑर्डर तैयार करना मुश्किल नहीं होगा। एक गोल आकार का मोल्ड लेते हैं और इसे बीच में काटेंगे। हमें तीन परतें मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्वादिष्ट क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। पहला केक तैयार है और मैं दूसरा शुरू कर सकती हूँ। वाह, परफेक्टो। मामा मिया, अब हम इसे तीसरे को पेस्ट कर देंगे। वाह, कितना सुंदर है। अब इसमें केवल शहद डालना बाकी है। चलो डालती हूँ। ओ दादी, शहद को छोड़ दो। कभी नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। ओह, आप गलती कर रही हैं। मुझे अच्छे तरीके से शहद दे दो। आह, तुम कहाँ चले गए? आह, आह, ये क्या? इसे हटाओ यहाँ से। आ जाओ इधर, मेरा जबड़ा। मुझे फिर से इसकी जरूरत होगी। तुम्हें मेरी बर्फ जैसी सफेद मुस्कान कैसी लगी? खैर, यह काम करने का समय है। अब दादी केक के बीच में शहद डालने जा रही है। कितना सुंदर है। ओह, क्रीम कहाँ गई? मैंने गलती से इसे अपनी जेब में डाल लिया था। इसे केक को सजाने का समय है। मुझे लगता है कि मेरी पोती वास्तव में इसे पसंद करेगी। उसके पास एक असली स्वीट टूथ है और यहाँ उसके फेवरेट गमीज। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है, नारंगी की गंध। ओह, यह स्वादिष्ट है, पर हब्बा बब्बा लेना बेहतर होगा। उफ, मैं जार नहीं खोल पा रही हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, शायद मेरे दांत मेरी मदद करे। उफ, चलो खुल जाओ। ठीक है, मैं एक आरी की मदद लेती हूँ। ध्यान से। ओह रुको बच्चे, दादी इसे खोल देगी। देखो, लो ये लो। वाह, धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं। च्युइंगम शहद की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होता है, ये मेरा ख्याल है, और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के। मैं अपने को अब रोक नहीं सकती, मैं इसे खुद खाकर देखना चाहती हूँ। वाह, ये तो मन को खुश करने वाला है। ओह, मेरे पास च्युइंगम का एक और पैकेट है। इस बार मैं केक को चिकना और सुंदर बनाने के लिए ऊपर से इसे सजाऊंगी। मैंने माँ को हमेशा ऐसा करते देखा है, और मेरे पास एक अतिरिक्त लेयर भी बची हुई है। वाह, मैं इसे ऊपर से क्रीम के साथ डालूंगी। वाह, तैयार, मेरा हवा बाबा केक तैयार है। तुम सही थे, शहद के बजाय कुछ और लेना बेहतर है। मैं स्किटल सिरप चुनती हूँ। मुझे पता है सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि जीत मेरी होगी। और मैं कैंडिड से कलरफुल डेकोरेशन करूंगी और इसके साथ केक को एक सर्कल में सजाऊंगी। तो तुम्हें मेरा लेबल कैसा लगा? वैसे इसे खा भी सकते हैं। वाओ, सब कुछ तैयार है। ये यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वाओ, यहाँ स्किटल्स लिखा हुआ है। ओ यार, वाओ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वाओ, मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। कितनी अद्भुत फीलिंग है। बहुत अच्छा, उंगलियों को भी चाट सकती हूँ। और यह केक दादी के केक से मिलता है। मैं उसके गमी को पहचानती हूँ। दिलचस्प फीलिंग है। क्या यह शहद है? अच्छा है। बहुत बढ़िया, बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद है। मुझे गमी का एक टुकड़ा लेना है। वाओ, लेकिन मैं तीसरे केक को खाना चाहती हूँ। वो मुझे हवा बाबा की याद दिलाता है। वाओ, वास्तव में अंदर में च्युइंग गम है। कूल, देखो मैं बबल फुलाने जा रही हूँ। कितना मजा आ रहा है। खैर, यह सबसे अच्छा केक चुनने का समय है और मेरी बहन जीत गई। मैं धन्यवाद। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। अब आगे क्या है? हम एक नए काम का प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्लीज मेरे लिए एक जिंजर ब्रेड हाउस बनाइए। क्या क्या यह जिंजर ब्रेड हाउस है? यह क्या होता है? ओह, खुशी से, दादी को यह बहुत पसंद है। तुम सही जगह पर आई हो। शेफ के पास इसके लिए एक विशेष हथियार है। यह दुनिया का सबसे तेज चाकू है। यह एक पल में सभी शेप को काट सकती है। तुम्हारे सामने एक घर है। खैर, लगभग सभी सामान तैयार है। ओवन में बेक होने तक थोड़ी देर इंतजार करना बाकी है। हाँ, और दादी आप क्या कर रही हैं? मैंने मुश्किल से इसे लाया है। मैंने अपनी पोती के लिए सबसे ताजी सब्जियाँ चुनी है, क्योंकि मैंने उन्हें खुद उगाया था। कैंडीज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सब्जियों से घर बनाना ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले मुझे चीज और एक विशेष चम्मच की जरूरत होगी, ताकि इसे प्लेट पर रखा जा सके और इसे फैलाया जा सके।
ऐसे बहुत अच्छा। अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं प्लेट पर। बहुत सुंदर। अब हम गाजर और खीरा डालेंगे और थोड़े ब्रोकली भी। जरा देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। यदि तैयार कुकी ले सकते हैं तो परेशान क्यों होना है। इसे काटने या बेक करने की जरूरत नहीं है, बस न्यूटेला में डुबोना है और प्लेट पर डालना है बस, और ऐसे इसे चिपका देना है। कूल, लगभग सब कुछ तैयार है। छत बची है और यह रहा, और ऊपर से मार्शमेलो। वाओ! ओह, मैं इसे पूरी तरह से भूनना भूल गई। मेरा बर्नर कहाँ है? वाओ, यह अच्छा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ओह नहीं, ओह मैंने क्या किया, मैंने गलती से घर में आग लगा दी। ओह कितना डरावना है, इस तरह काम नहीं चलेगा। एक सेकेंड, रसोई या रसोई में आग नहीं लगने देगा। फायर ब्रिगेड की ट्रक आ रही है, मैं मदद के लिए क्रीम भेजूंगी। आगे बढ़ो और जल्दी करो। ओह कितना भयानक, मैं क्या करूँ? ओह क्या यह क्रीम है? मुझे आशा है कि वे मदद करेंगे। ओह अरे धन्यवाद शेफ। अरे भगवान, शेफ के पास हमेशा सब कुछ कंट्रोल में होता है। यह मेरे जिंजर ब्रेड हाउस को प्लेटफॉर्म पर रखने और क्रीम लगाने का समय है। शानदार, वाह, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब केवल कैंडीज और लॉलीपॉप मिसिंग है, लेकिन अब हम इसे जल्दी से ठीक कर देंगे। वाओ, शाबाश। और यहाँ यह फाइनल टच। वाओ, यह बहुत अच्छा है। हम तैयार है बेबी। वाओ, और यह क्या है? ओह, ऐसा लगता है कि इस घर में केवल भालू बच गया है। यही मैं खाने जा रही हूँ। धन्यवाद, बेशक, लेकिन मैं बाकी नहीं खाऊंगी। ओह, दादी ने सब्जियों से घर बनाया है। यह मेरी बहन की तुलना में बहुत बेहतर है और इससे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन इसका स्वाद गंदा है। और यह जिंजर ब्रेड घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे ड्रॉ किया था, उससे भी अच्छा। कितने सारे कैंडीज हैं। चलो इसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, दरवाजा खाना आसान होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं एक लॉलीपॉप भी ले लेती हूँ। कूल, यह सबसे स्वादिष्ट केक है। शेफ जीत गई है। वाह, तुमने सुना? मैं बस इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। हाँ, क्या तुमने ड्राइंग खत्म कर लिया बेबी? बस एक मिनट, तैयार, मुझे बर्गर चाहिए। ओह, यह मेरे लिए बहुत आसान है। उफ, फास्ट फूड फिर से, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वाह, तुम सही जगह पर आई हो। मेरे पास इस अवसर के लिए अच्छा सा डोनट्स का एक बॉक्स है। वे बंस की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आपको कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें आधे में काट ले और यह सुपर मेगा लगेगा, खासकर यदि आप ऊपर से चॉकलेट बार डालते हैं। ओह, यह बराबर नहीं है, थोड़ा बड़ा है। मुझे अब क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा को खा लेती हूँ। अब इस पर खट्टे कैंडी लगाती हूँ और उसके ऊपर से चॉकलेट सिरप। मैंने पहले बहुत सारा खा लिया है, यह बहुत अच्छा है। उफ, यह सिर्फ एक सुगर कैंडी है। अपने बर्गर के लिए मैं विभिन्न रंगों के 3 बंस लूंगी और उन्हें टुकड़ों में काट दूंगी। अब हम एक कीमा से कटलेट्स बनाते हैं और इसे रोल करते हैं और इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे एक स्पैचुला से दबाते हैं। सही आकार की गारंटी है। अब केवल कटलेट के फ्राई होने तक का इंतजार करना है। बहुत बढ़िया, ऐसी सुगंध केवल तभी हो सकती है जब वह तैयार हो। अब बंस पर सब कुछ डालने का समय है। टमाटर को नहीं भूलना है, सीधे फ्रांस से। कितना सॉफ्ट चीज है। वाओ, यह अगला इंग्रेडिएंट होगा। थोड़ा टमाटर सॉस और शानदार बर्गर तैयार। ओह, तुम्हें मेरा बन कैसा लगा शेफ? कितना प्यारा है। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है, मेरी पोती निश्चित रूप से मेरे डिजाइन को पसंद करेगी। अंदर में एक ताजा क्रस्ट सैलेड और एक दिल के आकार का कटलेट डालूंगी। तुम जो भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम प्यार से खाना बनाना होगा। खीरे, टमाटर और ब्रेड, लगता है कि दादी ने सब तैयार कर लिया है। ओह, यह काफी है बच्चे। ओह सही में, तड़ाम, बस हो गया। वाह, कितना सुंदर है ये बर्गर, कमाल के लग रहे हैं।
मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा है। मैं शुरू करती हूँ शायद इसके साथ। ओह, सब कुछ इतना चिपक गया है और सारी चॉकलेट लीक हो गई है। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती, अफसोस। वाह, और ये मजेदार बर्गर देखो कितने रंगीन है, एक नहीं बल्कि तीन टुकड़े। वाह, यह बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद आया। और आखिरी बचा है, यह बहुत प्यारा है, यह स्पष्ट है कि दादी ने इसे बनाया है और इसे जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह अच्छा है, एक और टुकड़ा। वाह, यह सच में अच्छा है, दादी आप जीत गई। ओह, क्या मैंने सही सुना? हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद बेबी, यह दादी के लिए सबसे अच्छा इनाम है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। हम हमेशा नए दोस्त बनाने से खुश होते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे, बाय बाय।